हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान को और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के 33वें मैच की, जो खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच। हम जानेंगे क्या रहेगी इन दोनों की प्लेइंग 11, कौन सी टीम होगी विन और क्या होगी ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत हासिल की है। 3 मैच बेनतीजा रहे थे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा बादशाह भाई का, मैंने इनका काम देखा है, बहुत ही अच्छा काम देते हैं, 100% विनिंग मैच और टॉस तो देते ही देते हैं, साथ में सेशन भी पास कराते हैं, इसलिए आप इनके पास एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉस प्रॉफिट में चेंज हो जाए। आपको ये नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की, तो हमें आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे धुआंधार ओपनर देवदत्त पाडिकल और एरोन फिंच। नंबर 3 पर नजर आएंगे टीम के कप्तान विराट कोहली और नंबर 4 पर धुआंधार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की, तो इसमें मौजूद हैं वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस और इसरू राना। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसमें मौजूद हैं युजविंदर चहल, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज। दोस्तों, क्या लगता है आपको, रॉयल चैलेंजर्स ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले जानेंगे हम क्या रहेगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, तो हमें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे धुआंधार ओपनर्स, जो काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं, बेन स्टोक और जॉस बटलर। नंबर 3 पर नजर आएंगे टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और नंबर 4 पर संजू सैमसन। नंबर 5 पर रॉबिन उथप्पा देखने को मिलेंगे। बात करें मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर की, तो इसमें मौजूद हैं रियान प्रयाग, राहुल तेवटिया, जोफ्रा आर्चर और सुरेश गोपाल। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं कार्तिक त्यागी और जयदेव उन्नाटकर। अब बात करें अगर ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर काफ़ी बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता है। इसका एवरेज स्कोर 177 रन है। यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है, लेकिन चेस करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। बात करें टीम न्यूज़ की, तो इन दोनों की प्लेइंग 11 में कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, टीम न्यूज़ की और ग्राउंड रिपोर्ट की। अब वक्त है हमारे प्रेडिक्शन का। तो हमारा आज का प्रेडिक्शन ये कहता है, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जीतने के चांस 70% हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के जीतने के चांस 30% हैं। अगर आपको टॉस और मैच की करेक्ट प्रेडिक्शन चाहिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।